दोस्तों, इंडिया पावर न्यूज जुर्म का पर्दाफाश में आपका स्वागत है। और आज हम अपने स्टूडियो में बात करेंगे बिरहा के प्रसिद्ध गायक श्यामदेव साहनी जी से, जो महाराजगंज जनपद के रहने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कि श्यामदेव साहनी जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा कि आप एक पिछड़े क्षेत्र में रहते हुए जब आपने बिरहा की शुरुआत की, कौन कौन सी दिक्कतें आई, उसके पीछे आपको आगे बढ़ने के पीछे किन किन लोगों का हाथ रहा, कौन ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको प्रोत्साहित किया कि हाँ आप एक बिरहा सिंगर बनिए, तो इस पर थोड़ा सा आप प्रकाश डालिए। देखिए, आपके चैनल में हम जुटे और हमसे आप इंटरव्यू लिए, तो सबसे पहले हम आपको बता दें कि यह पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा क्षेत्र है, पिछड़ा जिला है जी। और जो है कि सबसे अगर देखा जाए तो हमारी इस महाराजगंज जिले में जी हर वर्ग के लोग हैं, और यहाँ पे जो है कि शिक्षा की बहुत कमी है जी। तो मैं सबसे पहले विचार से मैं कहना चाहूँगा कि जब हमने अपने इस पढ़ाई के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, राधा कुमारी इंटर कॉलेज ठूठीवाड़ी में जब हमने अपना नाम लिखवाया जी, तो हमने टीवी चैनलों पर देखता रहा, रेडियो के माध्यम से, कैसेट के ऑडियो माध्यम से जी, कि गाजीपुर, बनारस, दिल्ली, बंबई के तमाम गायकों का जी, जो हमारे सीनियर लोग हैं, इस समय हमने देखा कि हर लोगों का कैसेट बजता, तो हमारे दिल में एक उत्साह हुआ जी, कि जो कि हम भी अपने इस जिले का नाम और अपने क्षेत्र का नाम, अपने लोगों का नाम, जो हमारे आज इस महाराजगंज के समस्त हमसे जो बड़े लोग हैं जी, हमने सोचा कि यह काम हम भी करेंगे। तो हमने अपने मन में ठान लिया जी जी कि इस चीज को हम जो है अपने लोगों के बीच और एक आने वाले समय में इस महाराजगंज जिला का नाम करेंगे, और सबका आशीर्वाद मेरे पीछे। देखिए, जब इस क्षेत्र में आया तो सबसे पहले मैं बता दूं सुरेंद्र भैया कि इस क्षेत्र में देखिए बहुत टाइम लगता है जी, और टाइम भी नहीं लगता है, और हम लोगों का भगवान जो है कि सब जनता होते हैं लोग, जो नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग लोग हैं, हमारे हर वर्ग के लोग हम लोगों के साथ प्यार अपना दिए। और सबसे कह यह बात है सुन भाई कि देखिए, अपनी सोच अगर अच्छी है जी, अगर मेहनत जो इंसान करेगा तो उसको सफलता जरूर मिलेगी एक ना दिन। तो रही एक बात, आप बड़ी बढ़िया चीज़ पूछे हैं, आज हम लाइव आ रहे हैं आपके समक्ष और आप सबके समक्ष। देखिए, मैं भी एक बहुत गरीब परिवार से हूँ, मेरे पिताजी और मेरी माँ और मेरे पूरे परिवार के लोग बहुत ही मैंने एक तरह से गरीबी झेले हैं। तो जब से हम लोगों ने अपना इस क्षेत्र में आया, लोगों के बीच में आया, कुछ पढ़ाई लिखाई हम लोगों ने किया, सबका प्यार गुलाब मिला, तो धीरे धीरे हम लोग आगे निकल रहे हैं। इसमें सबका सहयोग है, हमारे मित्रों का सहयोग है, तो इस नाते हम सबसे पहले माँ और बाप और गुरु को जो है और आप सभी को जो है प्रणाम करता हूँ। जो आप लोगों ने अपना प्यार दिया आज प्यार के बल पे, हर जगह यूट्यूब से लेकर के हमारा गाना बज रहा, सब लोग पसंद भी कर रहे हैं, और हमको इस क्षेत्र में लाने के लिए हमारे बड़े भैया, जब मेरे पास पैसा नहीं था तो हम अपने माँ बाप से पैसा मांगे, उन लोगों ने अपने मजदूरी करके हमको दिया। उसके बाद इस क्षेत्र में हमने कई बार फलाक हुआ जी, तो हमने कहा हिम्मत नहीं हारेंगे, और सबसे पहले उसके बाद हमने इस क्षेत्र में आने के लिए बड़े भैया जो है ठूठीवाड़ी से जो है पत्रकार भी हैं, तो उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग किया, और मित्र लोग भी बहुत सहयोग किया, और हर लोग सहयोग किए, और जो आज यूट्यूब पर हम बज रहे हैं, तो इसमें सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी आशीर्वाद है समा फिल्म, जो पूर्वांचल का नहीं
हम एक तरह से कह सकते हैं कि जितना भी स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग स्टूडियो, सबसे मशहूर और सबसे स्वच्छ और सबसे सुंदर वह रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जो इस शिखर के नीचे जो है तलहटियों में। आज हम कलाकारों को उठाने का काम किए हमारे बड़े भैया राजन जी, जो समा फिल्म डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो के निर्माता और निर्देशक हैं, हमारे रिकॉर्डिस्ट हाकिम भाई हैं, और जो एडिटिंग करते हैं हमारे बड़े भाई संदीप जी हैं, और कैमरामैन रोहित जी हैं, और हमारे साथ में तमाम लोग जो हमारा संगत करते हैं, ढोलक हारमोनियम बजाते हैं, हमारे स्वरूप जी, वीरन जी, छोटन जी, और जो है कि मुरलीधर सहानी जो हमारा छोट भाई हैं, और फुलचंद यादव जी, और हमारे गुरु जी लोग तमाम लोग, और जो है कि एक हमारे बहुत अच्छे कवि हैं जो गोरखपुर से हम लोगों से आशीर्वाद माने वो है हर चीज है, ओ राम केवल निषाद जी, और जो हमको इस क्षेत्र में विराह क्षेत्र में जिनके पास हमने गाना लाया, जो हमारे परम गुरु हैं आदरणीय राम जी कवि जी जो नेपाल के हैं, और दर्शन हरि यादव जी, ऐसे तमाम हमारे जो है कि सब लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर रहा। तो सुरेंद्र भाई देखिए, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इस क्षेत्र में जब हम आए तो यह बिल्कुल महाराजगंज जिला बिल्कुल बहुत पीछे था जी। तो सबसे बड़ी इसमें आशीर्वाद और सबसे बड़ा सहयोग हमारे राजन भैया का है, जो बीडी साउंड से जो प्रसिद्ध हैं, और उनको हम बार बार नमन वंदन करते हैं, स्वागत करते हैं, कि जो आज इस यूट्यूब के माध्यम से समस्त फिल्म बैनर के तले आज पूरे पूर्वांचल नहीं पूरे हिंदुस्तान और विदेशों में जो कि हमारी गाना बज रही है जी। और आप लोग जैसा कि देखते भी हैं तो हमें बड़ा खुशी होता है, और हम आप सभी से कहेंगे कि अगर ऐसे जो चाहे लड़की हो चाहे लड़के हो, जो भी अगर इस संगीत के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो सीधे वह संपर्क भी कर सकते हैं, और हमारे बड़े भैया जो कंपनी के डायरेक्टर हैं राजन जी, उनसे आप महाराज में जाकर मिल सकते हैं। तो हम ये चाहेंगे आपसे कि जो भी हमारे क्षेत्र में है, जो भी अगर लोग कला के क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो हमारे तरफ से भरपूर सहयोग रहेगा कि ताकि इस जिले का नाम हो, इस जिले के बच्चे बढ़िया जगह पहुंचे। और क्या आप कहूँ आपसे, जो है मेरे दिमाग में तभी से आ रहा है सबसे मुख्य पॉइंट जी, कि आप इस पिछड़े एरिया से जब अपने प्रतिभा को निखारना चाहा संगीत के क्षेत्र में, तो उस समय कौन कौन सी दिक्कतें आई थी? देखिए सुरेंद्र भाई, ये तो कोई नई बात नहीं है। देखिए, जब कोई अच्छे काम को करता है जी, अच्छे जगह जाता है, तो उसके सामने सबसे पहले कठिनाइयां आती है। दो चीज रहा होगा, एक सपोर्टर भी कोई ना कोई रहा होगा, और कुछ लोग जो है कुछ लोगों की मानसिकता होगी कि वो हमसे आगे क्यों जाए, हम क्यों नहीं जा रहे हैं। तो लोगों के मन में ये होता है कि वो कंपटीशन नहीं करना चाहते हैं, बल्कि वो बैक लाना चाहते हैं, अगर कोई आगे निकलना तो बैक लाना चाहते हैं। तो इस तरह का आपके लाइफ में कभी हुआ? कभी नहीं, आज भी होता है मेरे साथ। अच्छा सर, सुरेंद्र भाई आपसे सही बताऊं तो आज भी होता है, लेकिन देखिए हमें कहते हैं हमको आगे जाना है जी, हमको अच्छाई ग्रहण करना है, हमको बुराई के पीछे नहीं घूमना है। लेकिन सब कुछ होते हुए बुराई करने वालों को मैं ये भी कहता हूँ कि किसी का बुराई मत करो, आगे बढ़ो, अपने परिवार को शिक्षित बनाओ, ताकि जो है कि आने वाले समय में, आने वाले पीढ़ियों में जो है कि हर कोई दिक्कत दूर हो जाए। शुरू में आपका ये तिराहा वगैरह आगे कैसे चला, स्टेज शो हुआ या डायरेक्ट, मतलब एल्बम आपका निकला? नहीं, डायरेक्ट एल्बम नहीं निकाले हमने, जब वो राघव कुमार मेडिकल कॉलेज में जी अपना एडमिशन लिया जी,
तो पढ़ाई के क्षेत्र में तो 15 अगस्त होता था, चाहे 26 जनवरी, चाहे विद्यालय में कोई भी कार्यक्रम होता था, तो हमने उसमें उस संगीत के जो है कि क्षेत्र में अपना भाग लेते थे। तो हमको बहुत लोग मैंने लाइक किए और जो है कि बहुत प्यार मिला गुरुजनों से जी। और आज भी मैं उन गुरुजनों को जी। दिल से जो है कि पैर छूकर प्रणाम करता हूँ। सुरेंद्र भाई, यही चीज है, मैं संगीत के क्षेत्र में शुरू से ही मेरा सोच था जी। कि मैं इस पिछड़े क्षेत्र को एक दिन शिखर तक मैं पहुंचाऊंगा, महाराजगंज जिला का नाम की जो है हर लोग जान जाए। आज आप लोगों का आशीर्वाद से और सबके सहयोग से आज पूर्वांचल का ऐसा कोई गायक नहीं है, चाहे विधायक क्षेत्र हो चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, मेरे गाने पर तो खेसारी के जो है संगीत क्षेत्र के जो सबसे स्टार हैं। एक बात और है कि कोई भी व्यक्ति जब आगे निकलता है तो उसके पीछे तमाम लोग पैर तो खींचते हैं, इस बात से मैं सहमत हूँ। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि महाराजगंज जिला का ये उत्तरी छोर है जो बॉर्डर से सटा है।